नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और सुपर टेक्निकल अशोक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने लगा हूं कि गूगल का अकाउंट कैसे बनाएं। तो अगर आपने दोस्तों नया मोबाइल लिया है या फिर आप किसी भी कारणवश नया गूगल का अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मैं इसमें आपको एकदम आसान तरीका बताने लगा हूं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे नए टेक्निकल वीडियो बनाता रहता हूं। और घंटी का बटन भी दबा दें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों नया गूगल अकाउंट बनाने के लिए हमारे को सबसे पहले अपने मोबाइल में जो भी ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेना है। जैसे कि मेरे पास में क्रोम ब्राउज़र है, तो क्रोम ब्राउज़र को मैंने ओपन कर लिया। और इधर हमारे को सर्च का ऑप्शन मिलता है ऊपर, तो इधर हमारे को दोस्तों लिख देना है क्रिएट ए जीमेल अकाउंट। जैसे कि आप दोस्तों देख लीजिए, मैंने लिख कर सर्च कर दिया क्रिएट ए जीमेल अकाउंट। तो अब हमारे सामने बहुत सारी वेबसाइट इधर आती है, तो अब हमारे को इस पर क्लिक करना है क्रिएट ए गूगल अकाउंट, गूगल अकाउंट हेल्प गूगल सपोर्ट, इस पर हमारे को क्लिक करना है। तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया और इधर हमारे को दोस्तों ये ऐसा पेज देखने को मिलता है। तो इस पेज को थोड़ा सा ऊपर उठाना है। इधर हमारे को फॉर माई सेल्फ और टू मैनेज बिजनेस, मतलब आपको अगर बिजनेस के लिए गूगल अकाउंट बनाना है तो इस पर क्लिक करना है, और खुद के लिए बनाना चाहते हैं अगर आप तो आपको इस पर क्लिक करना है फॉर माई सेल्फ। तो मैं अपने खुद के लिए बनाना चाहता हूँ, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। और इधर अब हमारे सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है। तो इधर हमारे को दोस्तों अपना फर्स्ट नेम लिखना है और नीचे लास्ट नेम लिखना है, फिर यूज़र नेम हमारे को क्रिएट करना है जीमेल आईडी का जो होता है, और नीचे हमारे को पासवर्ड बनाना नया और पासवर्ड को कंफर्म कर लेना है, फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो मैं इधर अपना नाम लिख देता हूँ सबसे पहले, जैसे कि मेरा नाम अशोक है, तो मैं आपके सामने पूरा सब कुछ लिख रहा हूँ, अशोक और कुमार मेरा लास्ट नेम अशोक कुमार, मैंने लिख दिया पूरा नाम। और इधर यूज़र नेम क्रिएट करना है। तो यूज़र नेम दोस्तों, जैसे कि अगर मेरा नाम अशोक कुमार है तो मैं सर्च करूँगा तो बहुत सारे लोग पहले से ये नाम तो यूज़ कर चुके हैं, तो ये तो हमारे को नहीं मिलेगा, लेकिन हम कोई भी दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरा कुछ आगे ऐसा कुछ लगा सकते हैं, 1 2 3 4 या कुछ भी गिनती लगा सकते हैं। और उसके बाद में हमारे को दोस्तों आपको भी अपना नाम और पीछे कुछ भी वर्ड लगा देना है, फिर हम चेक कर लेंगे वापस कि ये मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद में हमारे को नया पासवर्ड क्रिएट करना है। तो इधर आपको अपना पासवर्ड, और अभी दोस्तों आप देख लीजिए कि इधर आ चुका है दैट यूजर नेम इज टेकन ट्राई अनदर, मतलब कि कोई दूसरा ट्राई करो, ये तो किसी ने ले लिया है। तो मैंने ये चेंज किया अशोक कुमार 578 लिखा। तो अभी दोस्तों अवेलेबल यही है, अवेलेबल एक के और ये जीमेल एड्रेस अवेलेबल है, ये भी एड्रेस अवेलेबल नहीं है मैंने जो लिखा। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, जो हमारे को अवेलेबल दिखाई दे रहा है वो हमारे को सेलेक्ट करना है। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो ये इधर लिखा हुआ आ जाएगा। और उसके बाद में अब हमारे को दोस्तों पासवर्ड क्रिएट कर लेना है इधर अपना। तो अब दोस्तों मैंने अपना नाम जीमेल एड्रेस सब कुछ डाल दिया, पासवर्ड भी नया बना लिया और पासवर्ड को वापस कंफर्म भी कर लिया है। अब हमारे को नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इधर हमारे सामने दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग लेता हुआ दिखाई देगा पेज, और इधर हमारे को अपना मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन मिलेगा, जिससे कि हम अगर हम पासवर्ड भूल जाएँ तो मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और पासवर्ड को हम रिसेट कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहते हैं तो रिकवरी ईमेल भी डाल सकते हैं, तो ईमेल पर एक ओटीपी आएगा और हम वापस पासवर्ड को इस ईमेल आईडी का चेंज भी कर सकते हैं, इस ईमेल आईडी का पासवर्ड। या फिर आप चाहते हैं कि हमारे को कोई भी रिकवरी ईमेल और मोबाइल नंबर नहीं डालना है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ये लिखा हुआ ऑप्शनल है, मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं है। अब दोस्तों आप नीचे हमारे को डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, तो इधर हमारे को डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देना है, और जेंडर हम इधर से सेलेक्ट कर देंगे। और जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में अब हमारे को नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इधर दोस्तों आप देख लीजिए कि ऐसा ऑप्शन हमारे सामने आ चुका है। हमारे को नीचे स्क्रॉल करके इधर आई एग्री पर क्लिक कर देना है ब्लू कलर के ऑप्शन पर। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये लोडिंग लेना शुरू करेगा, और अब हमारा अकाउंट है जो रेडी हो चुका है, देख लीजिए। और इस अकाउंट को दोस्तों अब हम YouTube में या प्ले स्टोर में या जीमेल आईडी में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही दोस्तों आप आसानी से गूगल का नया अकाउंट बना सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा देना, क्योंकि मैं ऐसे यूजफुल वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।